नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटवारी भर्ती के फाइनल रिजल्ट को जारी करने को लेकर लगातार दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट के कमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, जिला नियुक्ति की जो लिस्ट है वो दोस्तों आपकी तैयार कर दी गई है। कितने विद्यार्थियों को दोस्तों जो है उनके गृह जिले में नियुक्ति दी जाएगी और कितने विद्यार्थियों को अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्टिंग रहने वाली है वो टोंक और उदयपुर में सबसे ज़्यादा पटवारी की पोस्टिंग रहेगी, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपको राजस्थान पटवारी भर्ती की फल फल की अपडेट अब मिलती रहती है। तो दोस्तों पटवारी के जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले 30 मार्च तक आपका जो है, माफ कीजिएगा, 31 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें कि 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अनुपस्थित रहे थे। इनकी वजह से कट ऑफ में 3 से 4 नंबर की गिरावट आना तय हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 नंबर की कट ऑफ इसमें गिरावट होगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ फाइनल लिस्ट से पहले पटवारी जो भर्ती है उसमें दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि परीक्षा का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, उसको तुरंत यहाँ पर जारी किया जाए। और इसको लेकर एक खंडपीठ लगाई गई थी एक महिला के द्वारा, जिसको ओबीसी कैटेगरी की जगह एस जो है जनरल कैटेगरी में गलती से उसका जो फॉर्म भर गया था, लेकिन जब उसको संशोधन का मौका दिया गया था तब उसने संशोधन नहीं कराया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि आपको मौका दिया गया था, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, यानी कि उसको फाइनल कट ऑफ से वो रह सकती है। पटवारी भर्ती को पूरे 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आने से स्टूडेंट में मानसिक अवसाद की स्थिति है, बेरोजगारों की जीवानी। यहाँ पर दोस्तों सीएम अशोक गहलोत से सभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि जो 31,000 छात्र थे रीट के, उनको मात्र 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन 11,000 छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 महीने का समय क्यों लग रहा है। इसीलिए दोस्तों पटवारी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने को लेकर लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। और अपडेट ऐसी आ रही कि दोस्तों इसी सप्ताह में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसको जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल लिस्ट इसी सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। राजस्थान पटवारी की और जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसी पर आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रिजल्ट का आइकन दिख जाएगा दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ये ऑफिशियली वेबसाइट है। तो वीडियो को जरूर शेयर करना, राजस्थान पटवारी भर्ती की आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।